हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स एनिमेट। वॉक टू टर्न एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियो का ये है सेकेंड पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ये पैर नीचे आ जाता है 100 में, अभी एक फ्रेम बाद ये इवेलो को पकड़ते हैं, दूसरे वाले को रोटेट कर लो एंड पीछे आ जाओ। ओके, एक नेचुरल पोजीशन दे देते हैं जैसे ये मोटा कैरेक्टर है रहेगा, एंड घुमा दो इसको बॉडी को। अबे हाँ, एक मेन पोजीशन खड़ा हुआ। अच्छा, इधर पे गलती किया ये पैर 100 में आके रुक रहा है, तो 100 से दो फ्रेम छोड़ देते हैं। ये जो 100 वाला होल्ड पोज है, इसको अभी मैं 102 में लेके आऊँगा और इसको 10 फ्रेम पीछे दे दूँगा। एंड ये जो हिप है इसको छोड़ दो, ये जाएगा अभी 110 में। तो ये एक ब्लॉकिंग जैसा बना। तो टर्न बहुत टाइप का हो सकता है, अगर फ्रेम कम लेते हैं तो दूसरे टाइप से होगा, ब्लॉकिंग जैसा। ओके, तो हिप का जो जर्क है वो पहले ही थोड़ा दूर कर देते हैं इधर पे। रोटेट वाई में जर्क दे रहा है, बहुत बड़ा जर्क दे रहा है। रोटेट वाई इधर पे देखो, जर्क है बहुत मोटा जर्क है। यस, हिप इधर पे इतने कम फ्रेम में नहीं जाएगा। और जब लास्ट फ्रेम हो रहा है तो इधर पे जाके हिप जस्ट मतलब झटक से रुकेगा नहीं, तो वो थोड़ा ट्रैवल करेगा। मैं इधर पे थोड़ा और फ्रेम ज़्यादा कर लेता हूँ, फ़ायदा होगा। हिप कंट्रोलर मैंने पकड़ा हुआ है, ये इधर पे गया हिप, फिर उसके बाद थोड़ा और ट्रैवल करने वाला है हिप, और थोड़ा ट्रैवल करेगा देन बैक करके आएगा जो मेन पोजीशन है। ठीक है, अच्छा अभी पैर में अप एंड डाउन ये सब करते हैं। सेवेंटी फ्रेम उसके बाद 74 में जाके ये गिर रहा है, तो इधर पे एक हाफ फ्रेम ऐसा होना चाहिए था। उसके बाद ये था शायद एक पासिंग पोज, हाँ 82 में एक पासिंग पोज था, तो उस टाइम हिप थोड़ा ऊपर उड़ने वाला है। ट्रांसलेट वाई इसको दे देते हैं, इधर से हिप उठ रहा है तो इसको थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। मुझे 82 में हिप अपवर्ड्स चाहिए, हिप ऊपर की तरफ उठेगा 82 में, तो उस हिसाब से ही कर रहा हूँ।
अभी पैर में छोटा छोटा डिटेल देना होगा। पैर जब उठ रहा है तो रोल को करते हैं। ये इधर पे इसका जो पोल वेक्टर है ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको भी ठीक करेंगे। एंड देखो पैर इधर पे टूट चुका है मेरा, तो उसको भी करते हैं राइट। तो ये भी टूट चुका है, पैर को ऐसे तोड़ नहीं सकते हम लोग। हमेशा हिप का जो बैलेंस है वो ठीक रखना होगा, नहीं तो कैरेक्टर लगेगा कि गिर जाएगा, ऑफ बैलेंस लगेगा। अच्छा अभी हिप का जो मेन बैलेंस है रोटेट जी, इसको ऑपोजिट साइड में लेना होगा। कैसे लेंगे? ऑपोजिट सी, यस कूल। सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, रोटेशन में भी एक बैलेंस होगा, जैसे इधर पे देख रहे हो। अच्छा फिर देखो ऑपोजिट साइड जा रहा है बैलेंस। तो पैर इधर पे जा रहा है 87 में ना, तो फिर से हिप को पकड़ते हैं। जो पैर नीचे रहेगा उस तरफ हिप का जीरो रोटेशन रहेगा, उस तरफ हिप झुका हुआ रहेगा। तो 87 में पैर नीचे आ रहा है, तो 87 तक ही ये झुका हुआ रहेगा, उसके बाद ऑपोजिट में जाएगा। इससे मुझे 100 तक झुका हुआ रहना है उस तरफ। ओके, ग्राफ से बहुत सारा चीज़ हो जाता है, बस ठीक से समझ के ग्राफ को एडिट करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। अभी देखो कैसे पहले फ्लैट लग रहा था, जैसे इधर पे भी है जब पैर उठ रहा है। जो पैर नीचे है उस तरफ मैं रोटेशन दे रहा हूँ। अच्छा इस पैर में थोड़ा इन बिटवीन दे देते हैं। अभी ये कैसा ऊपर उठा हुआ है, मतलब ग्राउंड लेवल में उसका थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका एक छोटा सा इन बिटवीन दे देते हैं। ओके, इसके साथ पोल वेक्टर भी थोड़ा एनिमेट करना चाहिए। अबे पोल वेक्टर को थोड़ा दूर पे रखते हैं। जब पैर उठ रहा है तो उस टाइम जो रोल एनिमेशन है वो भी मैं करूँगा।
देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, हिप में ना ज़्यादा वाई डायरेक्शन में अप एंड डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी कर रहा हूँ रोटेशन से कर रहा हूँ।